बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में बताया था। आज मैं बात करूंगी हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में, जो कि हमारे टॉर्च वायरस में ओ का मीनिंग था। सबसे पहले तो ये एक बहुत ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन होता है और 4 से 5 हजार लोग यूएस के अंदर हर साल डेथ हो जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लिवर कैंसर कॉज हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं इसकी ट्रांसमिशन की बात करूं तो इसकी ट्रांसमिशन बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि किसी के भी ब्लड से, स्टूल से या थूक से या फिर कोई इस तरह के सेक्सुअल इंटरेक्शन से ये हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। इसके अलावा जो भी इंसान है, कोई जिसको हेपेटाइटिस बी है लेकिन आपको इस बारे में अवेयरनेस नहीं है कि उसको हेपेटाइटिस बी है, आप उसका रेजर इस्तेमाल करें, उसकी टॉवल यूज करें, तो उससे भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो आईवी ड्रग्स लेते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक बायस बन सकता है कि अगर वो किसी की सिरिंज खुद को लगा लेंगे तो वो भी आपको हेपेटाइटिस बी में मुबतला कर सकता है। इसके अलावा जो डायलिसिस कराने वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर तो ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है कि इसकी हेपेटाइटिस बी की ट्रांसमिशन हो जाना। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको इसके फिजिकल इफेक्ट्स बताती हूँ। फिजिकली आपको लो ग्रेड फीवर होगा, जॉन्डिस होगा, नोजिया होना शुरू हो जाएगा, ये एनोरेक्सिया होगा, ये आपकी मेन सिम्टम्स हैं जो क्लिनिकल फाइंडिंग में बताए जाते हैं कि हेपेटाइटिस बी में आपको अगर स्टार्ट होता है तो इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। मेटर्नल और न्यूनेटल इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मेटर्नल इफेक्ट्स में सबसे पहले क्या आता है कि प्रीमेच्योर लेबर या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से जो है ना ये हेपेटाइटिस बी कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर मेटर्नल स्टेज के अंदर लिवर कैंसर खुदा ना खास्ता कॉज हो रहा है तो फिर भी आपको हेपेटाइटिस बी या आपके बेबी को हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है। और अगर न्यूनेटल की बात करें यानी जो बच्चे पैदा होते हैं तो ये स्टिल बर्थ की वजह से होता है और 90% चांस होता है कि जब बेबी की बर्थ होती है तो उसको ये इन्फेक्शन कॉज हो चुका हो। तो इसके लिए जो सबसे पहले डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स होती हैं वो एज सेम टॉक्सोप्लाज्मोसिस ही हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा टेस्ट करवाया जाता है HBAG, जो कि आपका हेपेटाइटिस बी का एक खास टेस्ट होता है। ये टेस्ट करवाया जाता है, इसके अलावा PCR टेस्ट जरूर करवाया जाता है, कल्चर टेस्टिंग जरूर होती है, ELISA भी होता है। सारे टेस्ट मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है, जो कि आपको अपनी वैक्सीनेशन भी करवानी चाहिए और अपने बेबी की भी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, और वैक्सीन ही इसका हल है। इसलिए खुद को भी एहतियात से रखें और अपने बच्चों को भी इस तरह की माजूरी से, इस तरह की बीमारी से महफूज रखें। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों तक शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।